एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी केमिस्ट्री के क्लासेस। वैसे तो आई नो कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको एमएससी केमिस्ट्री की क्लासेस कराता है, बट डेफिनेटली मैं आपको ये 4 साल से करा रही हूँ और हमेशा कराती रहूँगी। तो जी हाँ, आज हम शेयर करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 2। क्लास 1 ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस शेयर होती हैं। और आपके कोई डाउट्स हैं, आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन, वो भी प्लस अफोर्डेबल एंड फ्री में भी, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आपको कंप्लीट पैकेज एमएससी का कहीं मिल सकता है तो वो मेरे चैनल पे ही मिलेगा। तो आप कमेंट कर सकती हो या आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई डाउट है। तो क्लास 1 मैंने शेयर की थी कि वेस्पर थ्योरी के रूल्स की, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, एंड देन हम लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी भी इसी क्लास में करेंगे। तो दोनों टॉपिक को आज एंड कर देंगे, देन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल सर्च आउट, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी शेप से भी आपके एमएससी में क्वेश्चन आते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। देन 3 सेक्शन में आपकी वेस्पर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। जो 15 नंबर के आपका पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपने वो क्लास नहीं देखी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप वो क्लास जाके देखो, ठीक है। क्योंकि देखो, न्यू बैच मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि आपके जो डाउट्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से मैं भी समझ पाऊँ और मैं उन क्लासेस को उसी अकॉर्डिंग शेयर कर पाऊँ। तो पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 नेक्स्ट क्लास होगी, इसलिए मैं ना इन्हें सीरीज में ही लेके आ रही हूँ। लाइक आज भी ये, कल भी ये, परसों भी ये, ऐसा नहीं कि आज ये कल ऑर्गेनिक देन फिजिकल तो आपका लिंक टूट जाता है। वो लिंक मैं इस बार नहीं चाहूँगी कि आपका टूटे, और डेफिनेटली शायद ये आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ आपको कैसे लगी आप कमेंट कर देना। बाकी आपको क्लास में कोई डाउट लगे, क्लास का कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत ज्यादा हो गई, स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, एप्लीकेशन मतलब कि यूजेस ऑफ वेस्पर थ्योरी की, कहां कहां यूज किया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, डेफिनेटली इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम आपको आएगी, बट मेरी क्लासेस से करोगे तो नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैं आपके टॉपिक को ऐसे क्लियर करा दूंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैम ने ये हमें रियलिटी में इंग्लिश में समझाया था, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर। या बाय अप्लाइंग वेस्पर थ्योरी वी कैन प्रेडिक्ट रेगुलर ज्योमेट्री एज एंड डिस्टोर्शन इन इट्स रेगुलर शेप इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखो, मॉलिक्यूल की शेप को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम वेस्पर थ्योरी को यूज़ करते हैं। शेप मतलब कि ज्योमेट्री है ना, वहाँ पे आप ज्योमेट्री भी यूज़ करो, मैं हमेशा शेप यूज़ करती हूँ, बट आप समझ आना। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जब हमें सर्च करनी है तो हम डेफिनेटली वहाँ पे वेस्पर थ्योरी का यूज़ करते हैं। तो वो ज्योमेट्री कैसे नॉर्मल रहेगी या रेगुलर रहेगी और कैसे उसमें एक बदलाव आ जाएगा, वो कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कंडीशंस फॉर रेगुलर ज्योमेट्री, यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ये है तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर रहेगी, ठीक है। तो ये रूल्स हम देखते हैं। नंबर 1, द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी बॉन्डेड टू सिमिलर एटम्स, यानी कि अगर आपका कोई मिड का मॉलिक्यूल है और वो चारों तरफ सेम मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, जैसे कि ये ए ए और ए से कनेक्टेड है, तो सेम मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है तो आंख बंद करके आप बोल दोगे कि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी क्योंकि ये चारों तरफ से सेम मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है। जैसे कि एग्जांपल क्या है हमारा, CH4 या CCl4। देखो, हालांकि मुझे पता है CH4 की शेप तो शायद हर एक बच्चे को पता होगी, बट फिर भी हमारा काम है बताना। CL की बताती हूँ ना, CH की तो डेफिनेटली हर एक बच्चों को पता होगी। तो देखो, ये कार्बन है, चारों तरफ क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन से कनेक्टेड है, तो चारों तरफ सेम मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो शेप है वो डेफिनेटली रेगुलर होगी। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टेबल याद करने के लिए दी थी, तो उस टेबल में तो बिल्कुल ये सबसे फर्स्ट पॉइंट था कि रेगुलर शेप होगी। और जिसने वो फर्स्ट क्लास देखी है वो ये भी बताऊँ इसका बॉन्ड एंगल कितना था। मैं नहीं बताऊँगी, आप कमेंट करके बताना कि मैम इतना बॉन्ड एंगल था, बिना देखे, चेक करके तो सभी बता देंगे, बिना चेक करें बताना, ठीक है। और जो कमेंट करेगा रियलिटी में, मुझे पता चलेगा कि ये बच्चा सच में सच्चाई के साथ काम कर रहा है, सच्चाई के साथ अपनी क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है। आई नो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप लोग कमेंट तो कर देते हो मैम क्लास शेयर करो मैम क्लास, बट अब भाई आप देखोगे कितने उन क्लासेस को,
कितना समझोगे, कितने नोट्स बनाओगे, वो चीज़ें मुझको भी देखनी है. ठीक है. या नाउ मूव ऑन टू द बी पॉइंट, यानी कि सेकंड पॉइंट. द सेंट्रल एटम शुड बी सराउंडेड ओनली बाय अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि हमेशा ये रूल नंबर वन भी था वेस्पर थ्योरी का, कि अगर किसी मॉलिक्यूल के चारों तरफ सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लॉन पेयर नहीं होंगे, तो उसकी शेप रेगुलर होती है. तो यही पॉइंट आपका यहाँ पे भी है कि मॉलिक्यूल के चारों तरफ सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसे हम BPS बोलते हैं, लॉन पेयर नहीं होने चाहिए. ठीक है. यस, नाउ मूव ऑन टू द पॉइंट थ्री. ऑल द बॉन्ड लेंथ शुड बी सेम. बॉन्ड लेंथ हमेशा बराबर होनी चाहिए. देखो CL में मैंने सभी बताई थी, सॉरी CCl4 में मैंने सभी सेम बताई थी ना. ऐसा तो नहीं था कि ये CL यहाँ पे था और ये CL यहाँ पे था, ये CL यहाँ पे था और ये इतनी दूर था, तो ऐसा नहीं था ना, सभी इक्वल थे. तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, यहाँ पे भी बराबर, यानी कि इक्वल होनी चाहिए. पॉइंट नंबर लास्ट, द सेंट्रल एटम शुड बी बॉन्डेड टू अदर एटम बाय सिंगल पॉइंट. यानी कि जो आपका सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल है, वो जो अदर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही कनेक्ट होना चाहिए, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी उसकी शेप रेगुलर रहेगी. क्लियर. या उसकी ज्योमेट्री रेगुलर रहेगी. क्लियर. ये ज्योमेट्री वर्ड के लिए मैं शेप बार बार यूज़ करती हूँ, आपको नहीं करनी है वो चीज़ें. ठीक है. तो ज्योमेट्री रेगुलर रहेगी, उसके लिए ये 4 रूल थे. अभी आ जाते हैं कि इरेगुलर ज्योमेट्री कब रहेगी, उसके लिए रूल्स क्या क्या हैं. या तो अभी हम देखते हैं कंडीशंस फॉर इरेगुलर ज्योमेट्री. इस पे आपका रूल नंबर 1 है, द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी बॉन्डेड टू डिसिमिलर एटम्स, है ना. यानी कि रेगुलर ज्योमेट्री में क्या था कि सेम एटम से कनेक्टेड होने चाहिए, बट यहाँ पे अलग अलग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट या डिसिमिलर आप बोल सकती हो, एटम से कनेक्टेड रहने चाहिए. एग्जाम्पल CH3Cl, ठीक है, या CHCl3, ठीक है. यानी कि देखो यहाँ पे L है, CL है ना, यहाँ पे भी CL कनेक्ट कर दो. तो क्या हुआ कि डिसिमिलर एटम से ये कनेक्ट होने चाहिए. सेकेंड पॉइंट है, द सेंट्रल एटम शुड हैव वन और मोर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. जब बॉन्ड पेयर होंगे तो रेगुलर ज्योमेट्री, बट जब लॉन पेयर होंगे एक या एक से ज़्यादा, तो डेफिनेटली इरेगुलर ज्योमेट्री होगी. एग्जाम्पल NH3 और H2O हैं आपके. दैन पॉइंट नंबर 3 है, द सेंट्रल एटम मे गेट बॉन्डेड टू सिमिलर एटम्स बट शुड हैव अ डिफरेंट बॉन्ड लेंथ. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर एटम से कनेक्टेड रहे, जैसे कि पी है, सॉरी ये एफ 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 और एफ एंड एफ से कनेक्टेड है. ठीक है. तो क्या है, कनेक्टेड तो एफ एफ से है, बट बॉन्ड लेंथ अलग है. देखो यहाँ पे ये कम है, ये थोड़ी ज़्यादा है, ये थोड़ी ज़्यादा है, ये भी थोड़ी ज़्यादा है, ये भी थोड़ी कम है, तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो गई, है ना. ऐसा नहीं है कि चारों तरफ इक्वलिटी है, जैसे कि मान लो ये इतने इक्वल है तो वो रेगुलर ज्योमेट्री में आता है, बट अगर इक्वल नहीं है देन दिस विल बी नोन एज अ इरेगुलर ज्योमेट्री. ठीक है. तो अभी जो आपकी वेस्पर थ्योरी है उसकी रेगुलर एंड इरेगुलर ज्योमेट्री के लिए आपका पॉइंट क्लियर हुआ. अभी हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, क्योंकि एक ही क्लास में हम वेस्पर थ्योरी को भी आज इतना एंड कर देते हैं, देन सिर्फ शेप ऑफ मॉलिक्यूल रहेंगी, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में शेयर करेंगे. क्लियर. कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना. अभी हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी. या सो अभी देखते हैं लिमिटेशंस यानी कि कहाँ पे आपकी वेस्पर थ्योरी फेल हो जाती है, कि कहाँ पे ये अच्छे से वर्क नहीं करती. तो इसमें देखते हैं, वेस्पर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेरी पोलर बॉन्ड्स. यानी कि जिस मॉलिक्यूल में आपके पोलर बॉन्ड्स हों, उसकी ज्योमेट्री को हम वेस्पर थ्योरी के थ्रू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल देखो, Li2O should have a same structure as H2O, but it is linear. देखो कैसे फेल होती है. Li2O, H2O same है ना, आपको भी पता है उसमें Li2 है, यहाँ पे H2 same है, OO है, तो इनकी जो shape है वो same होनी चाहिए थी, but same नहीं है, क्योंकि जो Li2O है वो same H2O जैसा होना चाहिए, but Li2O क्या है, linear है. ये same शेप है आपकी Li2O की, बट H2O की क्या है,
ये शेप है, तो दोनों की शेप बराबर होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए थी, बट अलग है क्योंकि Li2O आपका लीनियर है, तो इसलिए जिसमें वेरी पोलर बॉन्ड्स हैं उनकी शेप को हम वेस्पर थ्योरी के थ्रू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि वेस्पर थ्योरी में ही 3 क्लास आपकी जाने वाली है, बट डेफिनेटली नंबर भी 15 नंबर का पेपर है, तो उसमें आप 3 क्लास 3 घंटे भी दे दोगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि सिर्फ आधा आधा घंटे की मेरी क्लासेस हैं तो उतना आपको अफेक्ट नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव एक्सटेंसिव पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें आपका एक्सटेंसिव पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वहाँ पे भी आपकी वेस्पर थ्योरी वर्क नहीं करेगी। रूल नंबर 3, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स विच हैव एन इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो थ्योरी है आपकी उन मॉलिक्यूल की भी शेप को प्रिडिक्ट नहीं करती या शेप को ज्योमेट्री को आंसर नहीं करती जिसमें आपका एक इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, पॉइंट नंबर 4, वेस्पर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की शेप को भी हम वेस्पर थ्योरी के थ्रू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देन वेस्पर थ्योरी डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन SPDF, यानी कि जो जिनमें आपके जो बॉन्ड्स हैं इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं SPDF सब सेल्स में या सेल्स में, उसकी भी शेप को हम वेस्पर थ्योरी के थ्रू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी वेस्पर थ्योरी फेल हो जाती है। पॉइंट नंबर 6, दिस थ्योरी फेल्स टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल्स लाइक NH3 एंड H2O। H2O और NH3 का एग्जैक्ट जो कि होता है ना बिल्कुल 100% करेक्ट, हालांकि 100% की बात हम नहीं करते साइंस में, भी 99.9% की बात करते हैं, तो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल नहीं हम वेस्पर थ्योरी के थ्रू जान सकते हैं। और सबसे लास्ट और इस वीडियो का भी लास्ट पॉइंट है, वेस्पर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बॉन्ड एंगल इन अ गिवन सीरीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, तो आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि NH3, PH3, ASH3 एंड SBH3, इनमें भी बॉन्ड एंगल्स में क्या डिफरेंस है और कैसे है, क्यों है, इस रीजंस को भी वेस्पर थ्योरी कभी भी प्रूफ नहीं कर पाई है, तो यहाँ पे भी वेस्पर थ्योरी फेल हो जाती है। तो ये आज आपका काफ़ी मज़ेदार टॉपिक 2 हमने एंड कर दिया इस क्लास में, एप्लीकेशन को भी एंड कर दिया और लिमिटेशन को भी कर दिया। इंट्रोडक्शन और वेस्पर थ्योरी के रूल्स मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी जो नेक्स्ट फ्यूचर की क्लास होगी उसमें हम BF3, H2O, NH3 इनके मॉलिक्यूल की शेप को भी हम सर्च करेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ठीक है, एंड देन आपका वेस्पर थ्योरी का टॉपिक क्लोज है। फिर जब रिविजन होगा आपका एंड ऑफ द अक्टूबर या नवम्बर में, तब ये क्लासेस फिर से चलेंगी, वैसे तो नवंबर ही चला जाएगा, अभी तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, बट आप हर एक क्लास को देखोगे शेयर करोगे तो डेफिनेटली मैं अक्टूबर के एंड तक या 10 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, चाहे आप फर्स्ट सेम से हो या थर्ड सेम से, ठीक है। बाकी सपोर्ट के लिए आप कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर कर सकते हो, एंड कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी रह सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।